दीपाली सुबह सुबह क्या खा रही है जी? जलेबी। मुंह भी नहीं धोई है, ऐसी बासी मुँह खा रही है दीपाली। देखिए दीपाली को जलेबी बहुत पसंद है, कल लाए थे जलेबी तो बच गया था, तो अभी सुबह में उठी है दीपाली तो वही जलेबी खा रही है। अच्छा लगता है हाँ? तो हमको नहीं दीजिए। अभी जस्ट उठी है दीपाली और जैसे ही उठी उसी खोजने लगी मम्मी जलेबी कहाँ है। तो देखिए इधर जलेबी है पन्नी में और उधर आपकी भाभी जी खाना बना रही है सब्जी है, और देखिए अंगूठी चाट चाट के खा रही है दीपाली। पूरा उंगली खा जाओ खा जाओ खा जाओ खा जाओ खा जाओ। कैसे दर्द करता है? हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, एंड गुड मॉर्निंग सभी को। आज ड्यूटी हम नहीं गए हैं, आज मेरा रेस्ट है। मंडे, हर एक मंडे को मेरा रेस्ट रहता है। नहीं ड्यूटी नहीं है आज मेरा। अभी देखिए नहा वहा के रेडी हुए हैं, अब नाश्ता वास्ता कुछ देर में करेंगे। दीपाली क्या कर रही है? पिल्लू ने पिल्लू उड़ने वाला क्या? पिल्लू उड़ने वाला ने पिल्लू उड़ने वाला ने वहाँ आ गया था, पैर पे दीपाली के कीड़ा चढ़ गया था। तो चलिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा, और कुछ भाई हमेशा कमेंट करते रहते हैं तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है, खुशी होता है। तो कमेंट का ही जवाब देंगे। कमेंट ये करते हैं कि भैया जो ट्रैक मैन है वो कभी पॉइंट मैन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, क्या क्या करना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है, कि पॉइंट मैन ट्रैक मैन बन ही नहीं सकता, थोड़ा इसके बारे में बताइए। क्योंकि पॉइंट मैन का पोस्ट बहुत अच्छा है, पॉइंट मैन जिसको ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं उसका पोस्ट बहुत अच्छा है, और उसमें अगर आप 10वीं भी पास रहें तो 4-5 साल के बाद आप स्टेशन मास्टर ये सब बन सकते हैं। उसमें ग्रेजुएशन ये सब नहीं खोलता, खाली सीनियरिटी के ऊपर ये स्टेशन मास्टर आप बन सकते हैं, और इसका जो कोटा रहता है वो अलग रहता है, खाली पॉइंट मैन ही इसमें भर सकते हैं, अब दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो नहीं भर सकता। इसीलिए जितने भी पॉइंट मैन रहते हैं वो आराम से स्टेशन मास्टर बन जाते हैं। तो वही एक इसी के बारे में वीडियो इससे पहले मैं बनाया था पॉइंट मैन के बारे में, कि पॉइंट मैन का प्रमोशन जल्दी हो जाता है और स्टेशन मास्टर जल्दी बन जाता है। तो इसी वीडियो के ऊपर कमेंट आया था कि ट्रैक मैन पॉइंट मैन बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए, और एग्ज़ाम देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है, ये सब थोड़ा डिटेल से बताइए। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में यही सब मैं आप सबको बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए पूरा एंड तक, ठीक है। आज पूरा क्लियर से मैं आप सबको बता देता हूँ पॉइंट्स मैन के बारे में, कि एक ट्रैक मैन पॉइंट्स मैन बन सकता है कि नहीं बन सकता है सर्विस में, तो इसी के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। खाना उना नहीं खाएंगे दीपाली? चलो ना खाना उना खाते हैं, उठती है दीपाली मोबाइल देखने में लग जाती है। चलो खाना उना खा के फिर चलते हैं मार्केट। चलो 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 जल्दी 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 उठो जी उठो जी उठो जी। तो चलिए दोस्तों अब आप सबको बताते हैं कि एक ट्रैक मैन पॉइंट्स मैन कैसे बनता है, क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है ट्रैक मैन को पॉइंट्स मैन बनने के लिए। तो देखिए ट्रैक मैन से पॉइंट्स मैन बनने के लिए दो तरीका है, अभी तक जो मैं तरीका जानता हूँ वो दो तरीका से ट्रैक मैन पॉइंट्स मैन बन सकता है। एक तो म्यूचुअल ट्रांसफर से बन सकता है, जैसे कहीं आप म्यूचुअल कराना चाहते हैं, चाहे कोई पॉइंट्स मैन आपसे म्यूचुअल कराना चाहता है तो उस स्थिति में आप पॉइंट्स मैन बन सकते हैं। जैसे मैं पूरा क्लियर से बताता हूँ, जैसे मैं ट्रैक मैन हूँ और कहीं दूसरा जगह
चाहे चेन्नई हो गया चाहे मुंबई हो गया, कोई पॉइंटमैन है अगर वो आपसे यहाँ से यहाँ इधर आना चाहता है, आप उधर जाना चाहते हैं, तो बेसिक उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन जो ग्रेड पे है वो मायने रखता है। जैसे 1800 है तो उसका भी 1800 होना चाहिए, और चाहे कोई सा भी पोस्ट रहे, जैसे SNT हो गया चाहे CNW हो गया। SNT हो गया चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो गया, कोई सा भी पोस्ट हो गया, उससे आप म्यूचुअल करा सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी मैं आप सबको बता देता हूँ कि जो ट्रैकमैन है, ट्रैकमैन के बारे में तो सब जानता है कि ट्रैकमैन का वर्क कैसा रहता है, क्या क्या करना पड़ता है, तो इसीलिए ट्रैकमैन से कोई म्यूचुअल कराना नहीं चाहता है। चाहे कहीं भी रहे, चाहे मुंबई रहे चाहे चेन्नई रहे, अगर इधर आना चाहेगा तो वो तो जानता है कि ट्रैकमैन का वर्क रहता है ट्रैक पे और बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो म्यूचुअल नहीं कराता है। तो कोई कोई ऐसा मिल गया, जैसे कोई पॉइंटमैन है आप ट्रैकमैन है, तो उसको ऑफर देते हैं कि हाँ हम इतना पैसा आपको देंगे, आप मेरे से म्यूचुअल करा लीजिए, तो कोई कोई म्यूचुअल कराता है, तो इस स्थिति में आप पॉइंट्समैन बन सकते हैं। एक ये तरीका मैं आप सबको बता दिया, और एक तरीका और है दोस्तों, वो जैसे आप ट्रैकमैन हैं और आपका सर्विस कितना भी हो जाए आपका एज मायने रखता है। जैसे आप हाँ, मेरा भी 33 चल रहा है, अगर मेरा एज 38 हो गया चाहे 35 से प्लस हो गया तो आप पॉइंट्समैन बन सकते हैं। एक डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकलता है ट्रैकमैन के लिए कि जितने भी ट्रैकमैन हैं, उसमें पॉइंटमैन नहीं भर सकता है, जितने भी ट्रैकमैन हैं, ट्रैकमैन का एज होता है उसमें 35+, एज 35+ होना चाहिए, और 10वीं ये जो एजुकेशन हो गया वो कुछ भी मायने नहीं रखता, खाली एज होता है कि एज 35+ होना चाहिए और सर्विस 3 साल होना चाहिए, 3 साल से ज़्यादा। जैसे अभी ज्वाइनिंग करते हैं और अभी आपका एज 33 है और अभी ज्वाइनिंग करते हैं, फिर 3 साल के बाद आपका 36 हो जाएगा और 3 साल कंप्लीट हो जाएगा, सर्विस का भी कंप्लीट हो जाएगा और एज भी आपका बढ़ जाएगा, 36 हो जाएगा, तो 35+ खोजता है, जो पॉइंट्समैन के लिए 35+ खोजता है। तो यहाँ से 2-3 लड़का का भी हुआ है जिसका एज 35 था और 1.5 साल हो रहा है, 1.5 साल पहले पॉइंट्समैन का वैकेंसी निकल रहा था, वो भी ट्रैकमैन के लिए, ट्रैकमैन के लिए निकलता रहता है, बॉक्स हाउस से निकलता रहता है और पॉइंट्समैन के लिए निकलता रहता है, और ये मशीन का मैं बताया आप सबको, ये जो ट्रैक मशीन रहता है उसके लिए भी निकलता रहता है, तो उसमें क्वालिफिकेशन खोलता है, ITI खोलता है। लेकिन वर्क शॉप हो गया और ये क्या कहते हैं पॉइंटमैन हो गया, इसमें कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं होता, आप 10वीं पास हैं चाहे 12वीं पास हैं चाहे ग्रेजुएशन कर रखें, उससे कुछ भी मतलब नहीं है, इसमें इन दोनों में एज खोलता है। चलिए इसके बारे में भी बता देता हूँ, जो वर्क शॉप है उसके बारे में भी बताता हूँ, उसमें भी एज 35+ खोलता है। 35+ अगर है आपका ये, तो 2 चीज़ में आप जा सकते हैं, एक वर्कशॉप में जा सकते हैं और एक पॉइंट्समैन में जा सकते हैं। ये 2 तरीका है ट्रैकमैन को पोस्ट चेंज करने का, वो भी पॉइंट्समैन में। अगर पॉइंट्समैन में चल जाते हैं तो फिर बल्ले बल्ले हो जाता है, आप स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं। जब से मेरा ज्वाइनिंग हुआ है दोस्तों, जब से 3 बार निकल चुका है पॉइंट्समैन के लिए, 3 बार निकल चुका है, इससे 1.5 साल पहले निकला था पॉइंट्समैन के लिए, तो मेरा एज नहीं हुआ था उस टाइम, 29-30 हो रहा था मेरा एज, तो मैं भर नहीं पाया। लेकिन अभी भी नहीं भर सकता हूँ जब तक 35 नहीं होगा, और इसमें हाँ ग्रेड पे 1800 ही होना चाहिए, ये बताना मैं भूल गया। जैसे आपका एज 35 हो गया और अगर ग्रेड पे 18-19 हो गया तो आप नहीं भर सकते हैं, ये मैं बताना भूल गया, इसके लिए सॉरी। जैसे ट्रैकमैन पोस्ट पे हैं तो ग्रेड पे 1800 होना चाहिए और सर्विस 3 साल होना चाहिए और एज 35 होना चाहिए, तब आप पॉइंट्समैन बन सकते हैं। अगर जैसे ग्रेड पे ज्वाइनिंग करते हैं आप, 2-3 साल के बाद 1900 मिल जाता है चाहे 2400 मिल जाता है, तो आप नहीं भर सकते हैं, एलिजिबल नहीं है। ये वर्कशॉप के लिए वर्कशॉप में जा सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट्समैन है पॉइंट्समैन में नहीं जा सकते हैं।
इसमें खोदा 1800 ग्रेड पे होना चाहिए और 3 साल सर्विस होना चाहिए और 35+ एज होना चाहिए, तब आप पंचमेंट में जा सकते हैं। और बर्फ शॉप की बात मैं बताता हूँ, बर्फ शॉप में जैसे इसमें भी 1800 खोलता है, इसमें भी दोस्तों 1800 खोलता है, ग्रेड पे 1800 होना चाहिए और सर्विस 3 साल होना चाहिए और जो एज है ये 35 होना चाहिए। इतना चीज़ होगा तो आप 2 चीज़ में जा सकते हैं, अपॉइंटमेंट में जा सकते हैं और वर्कशॉप में जा सकते हैं। दोनों पोस्ट अच्छा है, वर्कशॉप के लिए भी अच्छा है और पंचमैन के लिए भी अच्छा है। ट्रैकमैन की बात मैं बता रहा हूँ, ये 2 चीज़ में ट्रैकमैन जा सकते हैं। और अगर ग्रेड पे अगर नहीं बढ़ा आपका 3 साल के अंदर तो आराम से ये दोनों पोस्ट में आप जा सकते। अगर इन 2 पोस्ट अगर आप सबको मिल गया ट्रैकमैन के बाद, जैसे पॉइंटमैन हो गया चाहे वर्कशॉप में अगर चले जाइएगा तो आगे प्रमोशन ही प्रमोशन होता रहेगा। जैसे पॉइंटमैन में गए तो स्टेशन मास्टर आराम से बन सकते हैं और जैसे वर्कशॉप में गए तो उसमें भी टेक्नीशियन चाहे कुछ भी जो भी रहता है मिस्त्री ये सब बन सकते हैं। वर्कशॉप की मैं बता रहा हूँ, वर्कशॉप में मिस्त्री चाहे टेक्नीशियन चाहे लोहार ये सब बन सकते हैं। अगर ट्रैकमैन नहीं रह जाइएगा तो ट्रैकमैन में लास्ट तक मुकदम तक बन सकते हैं, मुकदम बन जाइएगा। अगर वैकेंसी जेई का वैकेंसी निकला तो जेई बन सकते। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में मैं आप सबको बताया 2 चीज़ के बारे में, आप सबको बता दिया दोस्तों, वर्कशॉप के बारे में और पॉइंट्समैन के बारे में कि एक ट्रैकमैन पॉइंट्समैन चाहे वर्कशॉप में किस तरह से जा सकते हैं और क्या क्या उनको प्रोसेस करना पड़ेगा, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। इसमें एग्ज़ाम नहीं होता, जैसे आप वर्कशॉप में गए चाहे पॉइंट्समैन में गए तो इसमें एग्ज़ाम उग्जाम कुछ नहीं लेता है, डायरेक्ट इतना 35 एज होना चाहिए, बस फॉर्म भरिए और 6-7 महीने के अंदर आपका हो जाएगा। तो यही सब के बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताया दोस्तों। वीडियो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ अच्छा दिखाते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल दीपाली एक जूता थी और वही आप सबको दिखाना चाहती है, देख देख के बताइए कि दीपाली का जूता कैसा है, सैंडल ली है, दिखाओ दिखाओ ना, इधर ऊपर लाओ ना, इधर इधर लाओ ना हाथ में। अच्छा देखिए पहन रही है, चलिए मैं आप सबको दिखा देता हूँ। इधर देखिए दीपाली सैंडल ली है गांव जाने के लिए, देखिए कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा दोस्तों। देखिए दीपाली का सैंडल कैसा लग रहा है, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय और